तो इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और कल आपने जो तस्वीरें देखी और आज की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग हैं। कल मैं सीधे हाथ की तरफ अपने दिखाना चाहूँगी, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था, रैपिड एक्शन फोर्स, और जो पूरी ये सड़क है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गई थी। और अभी चूँकि शुक्रवार सुबह के 8 बज रहे हैं, बिल्कुल वो तस्वीर नहीं है जो कल देखने को मिली। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पूरा फोर्स था वो धीमे धीमे हटने लगा और जो अधिकारी थे वो जाने लगे। लेकिन आप आज की तस्वीर बताएंगे, चूंकि आप मेरे पीछे वो मंच देखेंगे, वहाँ से जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत, उनके द्वारा ये कहा गया कि अब हर गांव से एक किसान यहाँ पर आएगा। और हम देख रहे हैं कि हरियाणा के कुछ गांव से जो किसान हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है। और एक बार आपको पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहेंगे, वो टेंट्स हैं आप देखेंगे वहाँ पर, जिस तरीके से जो खाना बन रहा है वो आप देखेंगे, किसान आप देखेंगे इस वक्त सड़कों पर है। और ये भी कहा जा रहा है, जब मैं कुछ किसानों से बात कर रही तो उन्होंने कहा है कि कल की बात और थी, हम 26 जनवरी परेड के बाद में चले गए थे, चूंकि 26 जनवरी परेड के लिए आए थे, लेकिन आज 1 बजे तक यहाँ पर, दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 1 लाख किसान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मेरे पीछे आप ये गद्दे देख रहे हैं, यहीं पर रात में किसान सोए। और आपने ये देखा कि यहाँ पर सामने राकेश टिकैत थे, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से ये धरना खत्म नहीं करेंगे, हम पर दबाव प्रशासन की तरफ से बनाया जा रहा है। और वो मंच आप देखेंगे वहाँ पर, अभी राकेश टिकैत नहीं है मंच पर, वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे। और अभी इस वक्त यहाँ पर जब हम देख रहे थे कल कितना भारी पुलिस बल तैनात था, रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई, और ये भी बात की जा रही थी राकेश टिकैत द्वारा कि गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। शाम 8 बजे तक उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो किसानों की भीड़ है, जो कहा जा रहा था कम हो गई है, अब वो बढ़ने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आने लगे हैं, हरियाणा से किसान आने लगे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे तक लगभग 1 लाख किसान आपको गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर